a very tight contest, which is what you're picking up on your screen right now. Absolutely a fascinating seesaw in this battleground Bihar, with both sides switching sides back and forth. Once again now, just look at those numbers. The Magadbandhan, which is actually drawn level. Contrary to the exit polls, in a nail-biting finish, in Bihar has achieved the magic number of 122 to form the government in Bihar. ये विष्णु कहाँ रह गया? हमेशा लेट करता है, कहीं आज ऑफिस पहुंचने में देर ना हो जाए। क्या यार विष्णु, आने में कितनी देर कर दी? कार्तिक, बस एक ही मिनट तो लेट आया हूँ। ये तेरी हर बात पे शिकायत करने की आदत जाएगी नहीं। चल चल जल्दी चल, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चिंता मत कर, टाइम से पहुंच जाएंगे। क्या होगा इस देश का, जहाँ देखो गड्ढे, गाड़ी चलाना तो दूर, इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता। ओ भाई साहब, ओए, ये क्या किया आपने? यहाँ क्यों कचरा फेंक दिया? ये कचरा फेंकने की जगह है? आप जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं और हमारे समाज और देश का नाम गंदा करते हैं। इस जगह पे कोई डस्टबिन नहीं था, इसलिए यह फेंक दिया। आपको कुछ दिक्कत है तो आप भी उठा लो। इस देश के लोगों का क्या होगा, हर जगह गंदगी है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चल चलते हैं, अगर यूं ही बहस करते रह जाएंगे तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फिर बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। शुक्रिया यार। जब भी अखबार में देखो, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की खबरें छपी हुई मिलती है। क्या होगा हमारे देश का? ये जो तू हर बात पे शिकायत करते रहता है, दिन भर बोलते रहता है देश का क्या होगा, देश का क्या होगा, तूने आज तक इस देश के लिए क्या किया है? कल इलेक्शन था ना, तूने वोट किया? नहीं, तूने वोट भी नहीं किया। वोट नहीं तो देश पे अधिकार नहीं। हर एक वोट की अपनी एक अहमियत होती है। हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जब तक हर एक भारत के नागरिक को अपने वोट की अहमियत समझ नहीं आती, तब तक भारत का सिस्टम बदलना मुश्किल है। एक वोट केवल सरकार ही नहीं बल्कि भारत की व्यवस्था बदलने का औजार भी बन सकता है। कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक वोट से फर्क पड़ेगा। आज अगर मैंने अपना वोट डाला होता तो नतीजा कुछ और ही होता। आज महसूस हुआ है कि देश के इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं। हम सब हैं जो वोटिंग के दिन छुट्टी मना के बिता देते हैं, मगर वोट डालने नहीं चाहते। जिम्मेदार बनिए, अपने वोट का महत्व समझें और इस बार सब मतदान करें।